शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्ले लिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में कि हम कहीं पर भी जब अपना हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो वहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें वहाँ पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, यही आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, सेल्फ इंट्रोडक्शन मीन्स खुद का परिचय देना। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्स इज द लास्ट रिस्पॉन्स, मीन्स हमारे बोलने के तरीके से ही लोग काफ़ी कुछ हमारे बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा जो शुरुआत है, हमारी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो जब भी हम और जहाँ भी हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो वहाँ पर हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और वहाँ पर क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, ये जानना ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला पॉइंट है वो ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन। मीन्स हम जहाँ पर भी अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वहाँ पर हाय, हेलो या व्हाट्सअप नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, दिस इज रॉन्ग वे। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है जो सिर्फ हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, ये फॉर्मली यूज नहीं कर सकते हम। फॉर्मली क्या यूज करेंगे हम? फॉर्मली क्या यूज करेंगे हम? गुड मॉर्निंग। अगर सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे, अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहला जो पॉइंट है वो ग्रीट है, जिसमें आपको हाय, हेलो या व्हाट्सअप नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग का इस्तेमाल करना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा है नेम। तो नेम में क्या होता है, इसमें भी लोग कई तरीके से बोलते हैं, जैसे कि कोई कोई बोलता है कि आई एम बोलने के बाद अपना नाम बोलते हैं, या माई सेल्फ बोलने के बाद अपना नाम बोलते हैं, या दिस इज बोलने के बाद अपना नाम बोलते हैं। जैसे मैं देवा हूँ तो आई एम देवा, माई सेल्फ देवा, दिस इज देवा। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में है माई नेम इज देवा। तो इसमें जो सबसे बेहतर तरीका है बोलने का वो है माई नेम इज। ओके फ्रेंड्स, तो आप अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये बेटर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो हो गया दूसरा नाम। अभी प्लेस है, प्लेस में अगर बोलना है आपको तो प्लेस में भी हम कई तरीके से बोलते हैं, कई तरीके होते हैं बोलने के। आई एम फ्रॉम, जैसे अगर आप कहीं मुंबई के हैं तो आई एम फ्रॉम मुंबई बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, या दूसरा तरीका है बोलने का कि आई बिलोंग टू मुंबई, मैं मुंबई का हूँ, या आप आई एम फ्रॉम मुंबई बोलिए या आई बिलोंग टू मुंबई बोलिए, दोनों एक ही होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं अगर हम वही के हैं, हम मुंबई के ही हैं और मुंबई में ही अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन कहीं पर हम दे रहे हैं, तो हम ऐसा कहेंगे कि आई एम फ्रॉम मुंबई इट्सेल्फ। ओके फ्रेंड, अगर आप दिल्ली के हैं तो आई एम फ्रॉम दिल्ली इट्सेल्फ। अगर आप पंजाब के हैं और वहीं पर आप पंजाब में ही अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो वहाँ पर हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम पंजाब इट्सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, अगर आप सूरत के हैं और सूरत में ही आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है तो वहाँ पर हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम सूरत इट्सेल्फ। ओके फ्रेंड्स, मैं सूरत का ही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं वहीं का हूँ, मतलब यहीं का हूँ के लिए हम इट्सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। अभी चौथा हो गया फैमिली। अपने फैमिली के बारे में बताते वक्त हम इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, चाहे तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेना, या कई तरीके होते हैं बोलने के, हम टुकड़े टुकड़े में बोल सकते हैं या एक ही बार में हम इस तरह का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसा हम अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मेरे दादा दादी और माता पिता के अलावे, मेरी फैमिली में यानी कि आई है टू ब्रदर्स एंड अ यंगर सिस्टर, मेरे दो भाई हैं और एक छोटी बहन है। ओके फ्रेंड, अगर आपके पास दो भाई नहीं हैं, आप अकेली औलाद हैं अपने माँ बाप के, तो आई एम ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स ऐसा बोल सकते हैं, या आई हैव नो ब्रदर एंड नो सिस्टर ऐसा भी बोल सकते हैं।
अगर आपके पास दो बहन और एक भाई हैं तो आई हैव टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर। तो अगर आपके पास दो बहनें हैं तो ऐसा बोल सकते हैं कि आई हैव टू सिस्टर्स एंड अगर एक भाई है एंड अ ब्रदर या यंगर ब्रदर, अगर बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में दादा दादी नहीं है, ही इज़ नॉट अलाइव, मीन्स अगर वो जिंदा नहीं है, आपके फैमिली में नहीं है, तो सिर्फ आप बोल सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव टू ब्रदर्स एंड अ यंगर सिस्टर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम अपने फैमिली के बारे में बताएंगे जहाँ कहीं भी हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसको याद कर लो, अच्छा रहेगा। मैंने अच्छी तरह से आपको समझा दिया है कि अगर आपके फैमिली में ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर नहीं है तो अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव टू ब्रदर एंड यंगर सिस्टर। अगर दादी नहीं है, सिर्फ दादाजी हैं और पेरेंट्स हैं, तो अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स ग्रैंडफादर आई हैव टू ब्रदर्स एंड अ यंगर सिस्टर। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के साथ अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। अभी है क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम नाइन्थ क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आई एम इन क्लास नाइन बोलेंगे हम, नाइन्थ यहाँ पर नहीं बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई एम इन क्लास नाइन्थ यहाँ पर नहीं बोलेंगे, आई एम इन नाइन्थ स्टैंडर्ड यहाँ पर हम नाइन्थ बोल सकते हैं। अगर आप टेन में हैं तो आई एम इन टेंथ स्टैंडर्ड यहाँ पर बोलेंगे, आई एम इन क्लास टेन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएट कर रहे हैं या ग्रेजुएट कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हैं आप, तो आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, जारी है, तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। ओके फ्रेंड्स, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन। या आई एम इन बी ए सेकेंड ईयर, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर बोल सकते हैं कि आई एम इन बी ए सेकेंड ईयर। अगर फर्स्ट ईयर में है तो आई एम इन बी ए फर्स्ट ईयर। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो आई एम इन बी ए लास्ट ईयर। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हम अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे। अभी है हॉबी, हॉबी के बारे में अगर आपको बताना है, हॉबी किस चीज़ को बोलते हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हम अपने स्पेयर टाइम में करना पसंद करते हैं, जब भी हम अपने फ्री टाइम में जो कुछ हम करना पसंद करते हैं उसको बोलते हैं हम हॉबी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो आप ऐसे बता सकते हैं कि माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, या आपका हॉबी कुछ भी हो सकता है कि माई हॉबी इज प्लेइंग कैरम बोर्ड, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज ड्राइंग पिक्चर, जो भी है आप बोल सकते हैं। अगर आपके बहुत सारे हॉबीज हैं तो ऐसा बोलना पड़ेगा कि माई हॉबीज आर करके बोलना पड़ेगा कि माई हॉबीज आर राइटिंग पोएम, सिंगिंग सॉन्ग, डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट एंड etc. मीन्स अगर बहुत सारे हैं तो हॉबीज में आप वर्ब के साथ, यानी कि राइट है तो राइटिंग, प्ले है तो प्लेइंग, ing लगाकर बोलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो, आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जा रहे हैं, तो आपको सिर्फ यहीं तक बोलना है, हॉबी तक, उसके आगे ये चीज़ नहीं बोलना है। अगर आप किसी फैक्ट्री, कंपनी या किसी ऑफिस या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब के लिए आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसके बाद का जो आप यहाँ पर लिखा है मैंने, इसके बाद का वहाँ पर आपको बोलना है। अगर आप स्कूलिंग या कॉलेज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ हॉबी तक ही बोलना है फ्रेंड्स। उसके बाद वाला जब आप जॉब के लिए आप कहीं अप्लाई किए हो, किसी ऑफिस में, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगर आप वहाँ पर सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ से बोलना है एडिशनल स्किल्स। मीन्स एडिशनल स्किल्स मतलब आपके और भी क्या क्या पढ़ाई के अलावा, मीन्स स्कूलिंग या कॉलेज के अलावा आपने और क्या क्या किया है वो बताना है। तो यहाँ पर हम अपने एडिशनल स्किल्स के बारे में बताएंगे कि आई हैव डन 6 मंथ ऑफ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम, जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखना है, इन
और ईयर लिख रहा है यहाँ पर 2010 में या 2010 में लिखा है मैंने यहाँ पर, आपने जब भी किया हो 2015 में किया तो 2015 लिख दीजिए, आप यहाँ पर 1999 में किया तो 1999 लिख दीजिए, जिस ईयर में भी आपने किया है उस ईयर का नाम यहाँ पर लिखना है। तो आई हैव डन 6 मंथ ऑफ बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम, फिर ईयर का नाम, ओके। अगर आपने एक साल का किया है तो 1 ईयर कोर्स लिख देने का, या मास्टर कोर्स किया तो आपने मास्टर कोर्स लिख देना, आप जो भी किया आपने वो बताना है यहाँ पर। आई हैव डन 6 मंथ ऑफ बेसिक कंप्यूटर की जगह पे आई हैव डन 1 ईयर्स ऑफ मास्टर कोर्स कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम और ईयर का नाम, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद बोलना है आई हैव डन 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आई हैव डन 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, या आपने सिविल इंजीनियरिंग से किया है तो आई हैव डन 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, या आपने सॉफ्टवेयर किया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से तो आई हैव डन 3 ईयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर से किया है तो इन कंप्यूटर हार्डवेयर, जो भी आपने किया है वो यहाँ पर बताना है, ओके फ्रेंड्स। या आपने डेवलप वेब डेवलपमेंट से किया हुआ है तो आई हैव डन 3 ईयर्स डिप्लोमा इन वेब डेवलपमेंट, ओके फ्रेंड्स। उसके बाद बताना है आपको एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। अगर आपने कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी भी कंपनी में या फैक्ट्री में या ऑफिसेज में किसी भी रूप में आपने जॉब किया है, काम किया हुआ है, तो वो चीज़ आपको बताना है, एक्सपीरियंस बताना है। आई एम फ्रेशर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे 2 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है कहीं का, तो आई हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रीशियन, ओके, या वेब डेवलपमेंट। अगर आपको इलेक्ट्रीशियन वर्क में एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आई हैव 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रीशियन, या वेब डेवलपमेंट में है तो वेब डेवलपमेंट लिखेंगे बोलेंगे। उसके बाद आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग विथ कंपनी का नाम यहाँ पर लिखना है, जिस भी कंपनी के साथ या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने काम किया है वो यहाँ पर लिखना है कि आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वर्किंग विथ कंपनी नेम एज अ एक्सक्यूटिव या मैनेजर या सेल्स एक्सक्यूटिव, चाहे आपने जिस रूप में भी काम किया है उस पद का नाम आपको लिखना है यहाँ पर, ओके फ्रेंड्स। इतना बोलना है और इतना बोलने के बाद लास्ट में आपको बस इतना ही बोलना है कि दैट्स ऑल अबाउट मी, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा कि कहीं भी हम, अगर हम स्कूल या कॉलेज में, फिर से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर हम स्कूल और कॉलेज में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ हॉबी तक ही बोलेंगे, न कि ये बोलेंगे हम, ओके फ्रेंड्स। हॉबी के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बता सकते हैं कि आई लाइक टू प्ले क्रिकेट या आई डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल, ऐसा हम कुछ भी ये एडिशनल थिंग्स है वो आप नहीं भी बताएंगे तो भी चलेगा, बट हॉबी तक आपको ज़रूर बताना है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फैक्ट्री या कंपनी या किसी भी जॉब के सिलसिले में आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप कहीं पर दे रहे हो तो हॉबी के बाद जो मैंने आप बताया वो चीज़ आपको बोलना है और लास्ट में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, ओके फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा आज का कॉन्सेप्ट और अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे क्लास से आपको फ़ायदा हो रहा है या सीखने को मिल रहा है तो फ्रेंड्स वीडियो देखते वक्त लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी किया कीजिए जिनको ज़रूरत है। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, तो वहाँ तक आप शेयर कीजिए, उनको शेयर कीजिए ताकि उनको मदद मिले इंग्लिश सीखने में, ओके फ्रेंड्स। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।